समेत कई अन्य राज्यों में सावन माह के पवित्र अवसर पर कांवड़िए जल लेने के लिए निकलते हैं। आपको बता दें, हरिद्वार, बनारस, कई बड़े गंगा घाटों से जो कांवड़िए हैं वो जल लेकर अपने नज़दीकी घर के जो मंदिर हैं वहाँ की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें, ऐसा हजूम दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिला। दिल्ली की सड़कों पर जब कांवड़िए जब जल लेकर निकलते हैं, भोलेनाथ के जयकारे लगते नजर आते, तो आम लोगों की भी नजरें कांवड़ियों जत्थे पर टिक जाती है। उसी में मौजूद है करोलबाग इलाके में, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे कांवड़ियों के लिए एक शिविर का प्रबंध किया गया है। इस शिविर के अंदर कांवड़ियों के लिए रहन सहन की व्यवस्था की गई है, नहाने की, खाने पीने की, हर तरह की व्यवस्था यहाँ पे जो शिविर द्वारा दी जा रही है। और आपको बता दें, इस कैंप के अंदर दवाइयों की व्यवस्था भी दी गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो कांवड़िए भारी संख्या में आते नजर आ रहे हैं, ये सारे कांवड़िए हरिद्वार गढ़गंगा जल लेके अपने घर की ओर आ रहे हैं, लौट रहे हैं। साफ तौर पर आपको बता दें, कई प्रकार के आपको जो कांवड़ हैं देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े जो रथ हैं वो भी, जो कांवड़ी हैं वो भी खींचते नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, जो कांवड़ी हैं उन्होंने कलश अपना उठाया हुआ है। और साथ ही आपको बता दें, सरकार ने एक रोड पे अलग सी लेन बनाई है जो कि कांवड़ियों के लिए बनाई गई है, जिनसे इनको कोई परेशानी को दिक्कत ना आए। हमारे साथ मौजूद हैं कांवड़िए, जिनको शिव भक्त भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं, इनका क्या कहना है। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम किशन है सर। तो कहाँ से आ रहे हैं आप? सर, द्वारका दिल्ली से। हम हरिद्वार से जल भर के द्वारका दिल्ली रामजोड़ी मंदिर में चढ़ाएंगे, और बहुत अच्छा लगता है। हमारे साल में एक त्यौहार होता है, बट लेकिन हमारे को जो यूपी में जो फैसिलिटी मिलती है वो हमारे उत्तराखंड और दिल्ली में कहीं नहीं मिली जाती है। कितने समय से जा रहे हैं आप? कितने समय से जा रहे हैं यात्रा को? सर, 11 साल हो गए हमें। सर, मेरे को 15 साल हो गए जाते जाते यहाँ पे, और वहाँ से जल लेकर आते हैं सीधा अपने मंदिर पे चढ़ाते हैं। राजस्थान से आया हूँ मैं यहाँ पे जल लेने के लिए। गांव नौगावा, तहसील रामगढ़, डिस्ट्रिक्ट अलवर से आया हूँ मैं। कितने समय से, सालों से यात्रा कर रहे हैं? 8 साल हो गए। कहाँ तक जाएंगे? द्वारका का। द्वारा ये है कि अपने दिल्ली में कोई पुलिस वाला खड़े नहीं है, पुलिस वाला कोई नहीं है। रोड पर हम ऐसे ही पार कर रहे हैं, रोड जो भी पुलिस है वो साफ बोल दिया हमने। कितना समय लगता है आपको यात्रा पूर्ण करने में? 8 दिन लग जाते। तो इस कितना वजन उठाया आपने जल? अभी तो है 15 लीटर। कितने सालों से? 3 साल हो गए, 3-4 साल। 18 साल से। बहुत अच्छी यात्रा है, अपनी यात्रा बहुत अच्छी है। कहाँ तक जाएंगे? पालम जाएंगे, दादा देव मंदिर पे। हर साल ऐसी कावड़ लाते, विशाल कावड़ लाते हैं हम। द्वार सेक्टर 1 से विशाल कावड़ आती है। जैसा कि आपने देखा, जो कांवड़िए उनका साफ तौर पे कहना है कि जो रथ है ये हर साल ऐसी विशाल जो कांवड़ है ये खींच कर लाते हैं, और हरिद्वार से लेकर अपने नज़दीकी घर के जो मंदिर है वहाँ पर लेकर जाते हैं, और भोले बाबा में जल चढ़ा के अपनी यात्रा को पूर्ण करते हैं। साहिल भामरी, समाचार वार्ता, दिल्ली।